Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from Electrical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So student, we already learned in the last lecture that is the EMF equation of alternator, जो कि हमने already derive कर चुके हैं और उसके related जो कुछ terms थे वो भी हमने देखे, जो कुछ formula थे वो formula भी हमने already देख चुके हैं, ठीक है? So in today's session, we take the numerical on EMF equation of alternator. तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, जो न्यूमरिकल है EMF equation का alternator का वो हमें देखना है, ठीक है? So we start the video with the first course outcome and learning outcome. The course outcome is use the relevant three phase alternator for different load conditions, and the learning outcome is after completing this video you should be able to understand and solving the numerical based on the EMF equation of alternator. जितने भी numerical है EMF equation of alternator के वो easily आप solve कर सकते हो after completing this video. ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना है. So now the next, the program outcome mapping. The program outcome mapping is this, shows this table. This table will be shows that this video or this topic will be mapped with PO1 because here we learn the some basic knowledge. Then PO2 also satisfied because this term is related with our डिसिप्लिन नॉलेज, जो इलेक्ट्रिकल का हमारा जो डिसिप्लिन नॉलेज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उससे रिलेटेड है. देन PO3 इज फुल्ली सेटिस्फाइड बिकॉज यहाँ पे हमें न्यूमरिकल की प्रैक्टिस करना है जो कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको करना है. ओके, एंड देन PO9 एंड PO10 ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज दिस टॉपिक विल बी यूजफुल फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ये आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए यूजफुल है, सो ये आपको काम में आने वाला है. ओके, देन द PSO1 दैट इज द प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम 1 इज ऑल्सो द सेटिस्फाइड बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू द इलेक्ट्रिकल मशीन एंड अवर PSO1 इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल मशीन. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अ फर्स्ट वीडियो विथ अ फर्स्ट न्यूमरिकल. सो हमें अभी आगे फर्स्ट न्यूमरिकल से सॉल्व करना है. सो लेट अस सी द फर्स्ट न्यूमरिकल ऑफ दिस वीडियो. सो हेलो स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी द न्यूमरिकल ऑन EMF इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर. सी दिस इज द फर्स्ट न्यूमरिकल गिवन. ये आपको एक पहला न्यूमरिकल आपको गिवन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? अ थ्री फेज 16 पोल 60 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड has 144 slots with 8 conductor per slot. Full stop. The coil span is 2 by 3 of pole pitch, so determine the phase and line EMF if the flux per pole is 0.062 Weber. तो ये आपको एक न्यूमरिकल दिया हुआ है जिस न्यूमरिकल में आपको डिटरमाइन करने के लिए बोला है फेज एंड लाइन EMF. यानी यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? EMF फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे. ओके, सो लेट सो हम गिवन लिखना शुरू करते हैं. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन. सो क्या क्या आपको गिवन दिया हुआ है? सबसे पहले यहाँ पे फेज दिया हुआ है. कितना फेज का आपको दिया हुआ है? थ्री फेज की एक अल्टरनेटर है, यानी थ्री फेज का एक वाइंडिंग है जिसका अल्टरनेटर है. और नंबर ऑफ पोल्स जो दिया है पी, वो कितना दिया है? 16 पोल. कितना दिया है? 16 पोल दिया हुआ है. देन इसके आगे दिया हुआ आपको फ्रीक्वेंसी, यानी क्या दिया है? एफ. सो कौन सी फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? कितनी दिया है? 60 हर्ट्ज. सो ये फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटर जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है. नाउ जो अल्टरनेटर की वाइंडिंग जो है वो कैसे है? स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग यहाँ पे कैसे दी गई है? स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग दी गई है. ठीक है, अब स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में कैसे बोला है? 144 स्लॉट्स विथ एक कंडक्टर पर स्लॉट, यानी टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, यानी टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ स्लॉट्स 144, यानी 144 आपको क्या दिया है? स्लॉट्स दिया है. तो जो कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर पर स्लॉट, यानी एक स्लॉट के अंदर कितने कंडक्टर दिया है आपको? 8. यानी एक स्लॉट के अंदर कितने कंडक्टर है? 8. अगर अपने को यही अगर टोटल कंडक्टर निकालना है तो टोटल कंडक्टर क्या हो जाएगा? एक स्लॉट के अंदर कितने कंडक्टर है? 8 कंडक्टर है.
तो नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं 144, तो नंबर ऑफ स्लॉट को में कितने कंडक्टर हो जाएंगे, तो टोटल कंडक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ स्लॉट्स है यानी जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंडक्टर पर स्लॉट से, यानी एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितने हैं 144 और कंडक्टर पर स्लॉट कितना है 8, ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या करते हैं अपन कैलसी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैलसी में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा वो ये कि 144 इंटू 8, देखिए ये है कैलसी, ठीक है, सो कैलसी में अपन कर रहे हैं 144 इंटू 8, सो आपको मिल रहा है 1152, ठीक है। सो ये हो गए नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो अपन ने फाइंड आउट कर लिए कि इतने नंबर ऑफ कंडक्टर अपने को मिले हैं इस अल्टरनेटर में, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है द कॉइल स्पैन इज 2/3 ऑफ पोल पिच, यानी जो कॉइल स्पैन आपको दिया हुआ है यानी स्पैन लेंथ, कॉइल स्पैन यानी स्पैन लेंथ जो आपको दिया हुआ है जिसको अपन बोलते हैं बाय अल्फा से, ठीक है, तो ये जो आपको अल्फा से जो स्पैन लेंथ जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 2/3 ऑफ वन पोल पिच, यानी एक पोल पिच का क्या है ये 2/3। अब एक पोल पिच यानी कितना होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखे हैं द वन, व्हाट इज द वन पोल पिच, द वन पोल पिच इज अ 180 डिग्री, ठीक है, तो 180 डिग्री इंटू 2/3 तो ये हो जाता है, हम इसको भी कैलसी में सॉल्व करेंगे, सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 120 डिग्री, ठीक है, तो ये मिलता है आपको दैट इज 80 डिग्री, ठीक है, ये सॉरी 120 की है क्या अपन ने, हाँ 180 डिग्री, सो 180 के हिसाब से ये मिलता है आपको 120 डिग्री, ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिए अल्फा। अब अल्फा के बाद आपको और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्लक्स पर पोल इज 0.062 वेबर, यानी आपको फाइ दिया हुआ है, ये कितना दिया है 0.062 वेबर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, सो टू फाइंड में आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले ईएमएफ इन फेज एंड ईएमएफ इन अ लाइन, यानी ईपीएच आपको फाइंड आउट करना है और साथ में ईएमएफ जो फाइंड आउट करना है वो लाइन वोल्टेज, यानी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट करने के लिए वही सेम स्टार्ट करेंगे अपन सॉल्यूशन, सो स्टार्ट विद अ सॉल्यूशन विद अ फर्स्ट लाइन जो कि हम हर बार लिखते हैं वी नो दैट, सो व्हाट इज दैट वी नो दैट, कि हमें क्या पता है कि ईपीएच निकालना है, तो ईपीएच के लिए फार्मूला क्या है अपन ने लास्ट टाइम डिराइव किए है 4.44 φ f TPH kc and kd, दैट इज कॉइल स्पैन फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर kd, ठीक है, ये फॉर्मूला है ईपीएच कैलकुलेट करने का। देखो अभी इसमें क्या क्या गिवन है, फाइ आपको गिवन है, हाँ दिया हुआ है, एफ आपको गिवन है, हाँ ऊपर में दिया हुआ है, ये आपको 60 हर्ट्ज, फिर आपको टीपीएच, क्या यहाँ पे टीपीएच आपको कहीं पे भी गिवन दिख रहा है क्या, नहीं, यानी आपको टोटल जो कंडक्टर है वो आपको जो टीपीएच यानी टर्न्स पर फेज, तो आपको टर्न्स यहाँ पे नजर आ रहे क्या, नहीं, तो टर्न्स नहीं नजर आए तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या केसी यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं, आपको केसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और केडी, अगर इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने को ईपीएच जो है वो डायरेक्टली पता चल जाएगा। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द टीपीएच, तो हम सबसे पहले टीपीएच कैलकुलेट करते हैं। सो टीपीएच कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, टर्न पर फेज, टर्न पर फेज कैलकुलेट करने का फार्मूला है द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी जितने भी अपने कंडक्टर है उनको हम डिवाइड करेंगे टू से, क्योंकि टर्न्स कितने होते हैं दो, तो डिवाइड बाय टू इंटू नंबर ऑफ फेज, ये अपने को पर फेज निकालना है, तो क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेज, ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे कितने आए हैं 1152, अपन ने ऑलरेडी यहाँ निकाल के रखे हैं 1152 डिवाइड बाय 2 इनटू, अब नंबर ऑफ फेज, सो नंबर ऑफ फेज कितने हैं, नंबर ऑफ फेज है अपने 3, ये भी अपन ने यहाँ पे देखे हैं, सो कितने हैं नंबर ऑफ फेज 3, तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे अभी कैलसी पे पुट करेंगे, सो ये मिल जाएगा आपको 1152 इनटू डिवाइड बाय
2 × 3, तो ये आ चाहता है आपको 192। सो आपको TPH कितना मिल गया है, 192 मिल गया है। TPH कितना मिला है, 192। ठीक है, अब ये अभी अपन ने TPH कैलकुलेट किया, अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे KC। सो KC कैलकुलेट करने के लिए वही सेम KC कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो KC कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो KC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है KC का, दैट इज कॉइल स्पैन फैक्टर। द कॉइल स्पैन फैक्टर KC इज गिवन बाय, द KC इज नथिंग बट cos अल्फा बाय 2, दैट इज cos अल्फा बाय 2। सो cos अल्फा, अब देखिए कि अल्फा कितना है अपने पास, अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, ये देखिए अल्फा कितना निकला हुआ है, 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अभी पुट करेंगे। सो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो ये हो जाएगा cos 60। सो cos 60 हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 2, तो ये आपको आता है KC इज इक्वल्स टू cos 60 होता है 0.5। सो ये अपने को डायरेक्टली पता चल गया कि KC की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अपन ने TPH की वैल्यू निकाल के रखे है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, TPH की वैल्यू निकाले 192, देन अपन ने यहाँ पे क्या किए, KC निकाले। नाउ नेक्स्ट अपना जो फैक्टर है वो निकालना है KD। नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, KD निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूले में जो अपने को दिख रहा है 4.45 पता है, F पता है, TPH अपन ने फाइंड आउट किया, KC फाइंड आउट किया, अब लास्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, KD फाइंड आउट करेंगे। सो KD फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है, सेम लास्ट टाइम अपन ने KD का फार्मूला भी अपन ने देखे है। KD का निकालने का फार्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में भी बताया था, क्या फार्मूला है, साइन एम बीटा बाय 2 डिवाइड बाय एम साइन बीटा बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। ठीक है, साइन एम बीटा बाय 2 डिवाइड बाय एम साइन बीटा बाय 2। अब ना ही आपको एम के बारे में पता है, ना ही आपको बीटा के बारे में पता है, सो ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बीटा कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ये भी आपको लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। बीटा कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, 180 इंटू नंबर ऑफ पोल, दैट इज पी, 180 डिग्री डिवाइड इंटू नंबर ऑफ पोल दैट इज पी डिवाइड बाय अ नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, तो अब ए 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल कितना है, 16, ये अपने को पता है ऑलरेडी कितना है, 16। ठीक है, देन उसके बाद स्लॉट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स, सो नंबर ऑफ स्लॉट्स है अपने 144, कितने स्लॉट है, नंबर ऑफ 144। ठीक है, इसको हम कैल्सियम में पुट करेंगे तो आपको जो बीटा मिलेगा वो मिलेगा 20 डिग्री। कितना मिलता है बीटा, 20 डिग्री। आप देख लीजिए कैल्सियम में भी अगर मैं पुट करता हूँ, सो कैल्सियम में अपन पुट करेंगे, दैट इज 180 डिग्री इंटू 16 डिवाइड बाय 144, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो अब बीटा मिल गया। बीटा के बाद अब क्या निकालेंगे, अपन एम निकालेंगे। ठीक है, सो एम निकालने के लिए क्या फार्मूला है, एम निकालने के लिए फार्मूला है सेम, द नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड बाय पोल इनटू फेज, यानी नंबर ऑफ पोल इनटू नंबर ऑफ फेज। अब नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, 144, नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 16, और कितने फेज के लिए अपन अल्टरनेटर क्या निकाल रहे हैं, 3 फेज के लिए। सो कितना हो जाएगा ये, देन अगेन वी सॉल्व हियर, दैट इज 144 डिवाइड बाय 16 इंटू 3, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3। तो आपको जो m मिला है वो m कितना मिला है, 3 मिला है। ठीक है, अब एक बार आपने m निकाल लिए, अब m निकालने के बाद नेक्स्ट अपने को क्या करना है, बीटा मिल गया, m मिल गया, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, दैट इज KD इज इक्वल टू साइन, क्या फार्मूला है, m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m साइन बीटा बाय 2। ठीक है, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो साइन m के लिए क्या है, 3, बीटा कितना आया है, 20 डिवाइड बाय 2। ठीक है, m कितना है, 3 इंटू साइन ऑफ बीटा बाय 2 यानी 20 बाय 2। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कैल्सियम पे पुट करेंगे। ठीक है, सो इसको हम लेते हैं रेशो वाला फॉर्मूला, देन क्या है, साइन
ठीक है, साइन लीजिए। साइन में क्या है, ये वो फिर से लेंगे और ऊपर में लिखेंगे 3 × 20 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट बाहर, ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे में 3 × sin of, यहाँ पे फिर से हम लेंगे 20, नीचे में 2, ब्रैकेट क्लोज, और इसको करेंगे इक्वल्स टू, तो ये आपको मिल जाता है 0.9597। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केडी मिल गई। अब केसी मिल गया है, केडी मिल गया है, टीपीएच मिल गया है, सारी वैल्यू अपने को मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला लेंगे। सो क्या है ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला, ईपीएच इज इक्वल्स टू 4.45 f TPH KC × KD। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 4.44 × phi अपने को कितना दिया हुआ है, phi अपने को दिया हुआ है देखेंगे यहाँ पे 0.062 वेबर, तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन 0.062 वेबर। फ्रिक्वेंसी अपने को दिया है 60 हर्ट्ज। TPH अपन ने कैलकुलेट किए हैं, कितना किए हैं, 192, सो 192। ठीक है, KC हमने फाइंड आउट किया है, कितना है KC, 0.5, और KD हमने फाइंड आउट किया है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 0.9597। ठीक है, 979, तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। सो पुट करने के बाद जो EPH आपको यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो कुछ इस तरीके से 4.44 × 0.062 × 60 × 192 × 0.5 × 0.9597 = तो ये आपको फाइंड आउट होता है 1521 वोल्ट। तो ये आपको मिल गया EMF इन फेज EPH। ठीक है, अभी EPH मिला है, लेकिन EPH के साथ अपने को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, EL यानी लाइन वोल्टेज। ठीक है, अब लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो अपने को मिला है, अभी जो मिला है वो क्या मिला है, EPH मिला हुआ है। ठीक है, कितना मिला है EPH, EPH अपने को फाइंड आउट हुआ है 1521.71, इतना वोल्टेज अपने को EPH फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, अब EL निकालना है। EL निकालने के लिए अपन हम देखेंगे कि अपनी जो वाइंडिंग है वो कैसी है, तो अपने को पता है कि वाइंडिंग कैसी ही दी गई है, वाइंडिंग इज अ स्टार कनेक्टेड। अब स्टार कनेक्टेड है तो अपन ने स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशन पढ़े हैं। क्या रिलेशन है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में, कि जो लाइन वोल्टेज होता है EL इज नथिंग बट √3 ऑफ द फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज का कैसा है, √3 है। ठीक है, अब √3 फेज वोल्टेज का है, तो EL की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी, EL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 × EPH। तो EPH कितना है, 1521.71, ये ऑलरेडी अपना कैल्शियम में निकला हुआ है आंसर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ही डायरेक्ट आंसर को √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये √3 मैंने यहाँ पे कर दिया और √3 से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो मुझे फिर √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिला है 2635.68 वोल्ट। दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ EL। सो ये हो गया लाइन वोल्टेज और ये हो गया फेज वोल्टेज, और यही अपने को दो चीज़ें क्या करना था, यहाँ डिटरमाइन करना था। तो इस तरीके से हम EMF इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं। सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल आपको देने वाला हूँ, ये आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यही पे अगर आपको डेल्टा कनेक्टेड रहा तो ध्यान रखना, अगर यहाँ डेल्टा कनेक्टेड अगर आपको वाइंडिंग दी रहेगी तो क्या होगा, EL इज इक्वल टू EPH, यानी जो फेज वोल्टेज आएगा वही क्या रहेगा, लाइन वोल्टेज। यहाँ पे स्टार कनेक्शन है इसलिए √3 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर डेल्टा रहेगा तो EL और EPH दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कभी कभार आपको करंट निकालने के लिए भी पूछा जाता है, तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, फिर
आपके पास ईपीएच पता है, ईएल आपने कैलकुलेट कर लिया है, आपको सिंपल करंट का फार्मूला निकालना है, लेना है, दैट इज आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ई अपॉन आर यानी रेजिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ई को अपन ईएल को क्या करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिमिलर न्यूमेरिकल मैं आपको देने वाला हूँ और आपको इस हिसाब से फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके न्यूमेरिकल में, जो न्यूमेरिकल में अगर फुल पिच अगर आपको दिया हुआ रहता है, अगर कॉइल आपको कैसी दी रहती है, फुल पिच कॉइल अगर दिया रहता है, यानी कॉइल स्पैन अगर आपको नहीं दिया रहता है, तो उस वक्त आपको जो अल्फा लेना है वो अल्फा लेना है जीरो। क्या लेना है? जीरो। ये आपके लिए नोट है, ये नोट आप ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपको जो है न्यूमेरिकल में कॉइल जो दी गई है, वो कॉइल अगर आपको फुल पिच दी जाती है, कॉइल कैसे दी जाती है, फुल पिच, ठीक है, आपको कॉइल कैसे दी जाती है, फुल पिच अगर कॉइल आपको दी जाती है, तो फुल पिच कॉइल के लिए अल्फा कितना रहेगा, जीरो डिग्री रहेगा। अल्फा कितना रहेगा, जीरो डिग्री, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपको कॉइल की स्पैन लेंथ अगर फुल पिच दी रहेगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या लेना है आपको, जीरो डिग्री, ठीक है, क्योंकि अल्फा क्या होता है, द एंगल बिटवीन द फुल पिच एंड शॉर्ट पिच। लेकिन यहाँ पे अगर कॉइल ही अगर फुल पिच रहेगा तो शॉर्ट पिच रहेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जब भी आप न्यूमेरिकल ये सॉल्व करोगे ऐसे, तो आपको न्यूमेरिकल में देखना है कि कॉइल स्पैन क्या दिया हुआ है, फुल पिच दिया हुआ है या कोई स्पैन लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको अल्फा क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ओके, सो ये अल्फा डिटरमाइन करने का और एक न्यूमेरिकल आता है, मैं वो अलग से न्यूमेरिकल आपको बाद में लूँगा। आपको फिलहाल इस तरीके से न्यूमेरिकल लेके आपको ईएमएफ इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, सो थैंक यू। नाउ लेट अस सी द समरी एंड असाइनमेंट ऑन दिस वीडियो। सो नाउ इन दिस वीडियो वी लर्न द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। सो इस वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल देखे है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर के ऊपर। ऐसे ही सिमिलर न्यूमेरिकल्स आपके एमएसबीटी में पूछे जाते हैं, जो आपको सॉल्व करना है इंडिविजुअली। अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आपको इंडिविजुअली मुझे पूछना है। ओके, नेक्स्ट, द असाइनमेंट क्वेश्चन इज गिवन टू यू। एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल दे रहा हूँ कुछ चेंजेस करके। क्या है न्यूमेरिकल? अ थ्री फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल अल्टरनेटर हैज अ डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग विद 90 स्लॉट्स एंड 7 कंडक्टर पर स्लॉट। द फ्लक्स पर पोल इज 0.03 वेबर। इज साइनोसाइडल डिस्ट्रीब्यूटेड फुल पिच कॉइल, सो कैलकुलेट द लाइन ईएमएफ एज जनरेटेड। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन ईएमएफ निकालना है। और लाइन ईएमएफ निकालने के लिए क्या दिया है, थ्री फेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल दिया है 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वाइंडिंग दिया है वो कैसे दिया है, डेल्टा कनेक्टेड। जो मैंने आपको बताया कि डेल्टा कनेक्टेड में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों कैसे रहेंगे, सेम। यानी इसका मतलब जो आप ईएमएफ पर फेज निकालोगे, यानी ईएमएफ ईपीएच जो निकालोगे, वही ईएल के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्लॉट दिया है वो कितने दिया है, 90 स्लॉट दिया है। और आपको हर स्लॉट के लिए कितने कंडक्टर दिया है, 7, यानी 7 कंडक्टर पर स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। द फ्लक्स पर पोल इज दिया है यहाँ पे 0.03 वेबर। एंड जो वाइंडिंग जो दिया हुआ है वो कैसे दिया है, साइनोसाइडल डिस्ट्रीब्यूटेड फुल पिच कॉइल, जो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया कि नोट आपको लिख के दिया हूँ, ठीक है, नोट आपको लिख के दिया हूँ कि फुल पिच कॉइल रहेगा, तो फुल पिच कॉइल के लिए अल्फा कितना लेना है, जीरो लेना है, ठीक है। तो अल्फा जीरो लेके ही आपको केसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और फिर उस केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी फुल पिच अगर लिख के आता है, अगर कॉइल अगर फुल पिच होती है, तो फुल पिच कॉइल के आपको अल्फा क्या लेना है, जीरो ही लेना है। अगर कॉइल स्पैन के लिए अगर कुछ दिया हुआ रहता है, तो ही आप अल्फा कॉइल स्पैन के लिए अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो आपको हमेशा अज्यूम करना है कि द कॉइल इज नथिंग बट अ फुल पिच कॉइल। अगर कुछ न्यूमेरिकल में आपको दिया भी नहीं रहेगा, तो भी वहां पे आपको अज्यूम करके लिखना है कि अज्यूम फुल पिच कॉइल, आपको अज्यूम करना है, और अज्यूम करके अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखना है, जीरो लेना है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चेंजेस आपको दिया है, बाकी न्यूमेरिकल एज इट इज है। आपको सिमिलर तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो हमें आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी जो आर्मेचर वाइंडिंग है उस आर्मेचर वाइंडिंग के वजह से क्या रिएक्शन आता है वो हमें अगले वीडियो में देखना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।